हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड द्वारा स्कूल ओपन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उसमें कुछ शर्त रखा गया। अभिभावक और बच्चे ये चाह रहे थे कि स्कूल ओपन हो, तो बोर्ड ने उसके बारे में सोचना चालू कर दिया, लेकिन बोर्ड ने उनके सामने एक शर्त रखा है। जो भी अभिभावक और बच्चे हैं उनके सामने बोर्ड ने शर्त रखा, उस शर्त को पूरा करने के बाद उससे कुछ सुझाव मांगे गए, एक निश्चित तारीख तक सुझाव मांगा गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या है शर्त, कब तक यूपी बोर्ड स्कूल ओपन करना चाहता है, पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ में आपको दे रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करना भूलें, आपसे बार बार मैं कहता हूं। तो चलो मैं बताता हूं कि क्या है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूं पूरे प्रूफ के साथ कि उसमें क्या कहा गया है। देखिए कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ। प्रेसर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा समाचार द्वारा ये निर्देशित किया गया है। लिखा हुआ है कि 21 तारीख यानी कल के क्या विषय में यह नोटिफिकेशन है। लिखा हुआ है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के माध्यमिक विद्यालयों के खोले जाने के संबंध में। तो इसमें पूरा साफ साफ लिखा है कि जो कोविड महामारी के कारण जो कॉलेज पिछले साल से बंद चल रहे हैं, वो माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन प्रारंभ कराए जाने हैं, तो उन्हें खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। अब बात यह कि क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि छात्रों के अभिभावक और छात्र से उनकी सहमति प्राप्त कर संलग्न प्रारूप पर उनकी सूचना परिषद की ईमेल वेबसाइट upboardexamination@gmail.com पर दिनांक 23/6/2021 के शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। मतलब कि यदि चाहते हैं अभिभावक और छात्र के स्कूल ओपन हो, तो उनकी सहमति से ही स्कूल ओपन होगा। सरकार अभी अपनी तरीके से यह नहीं कर रही कि स्कूल ओपन होगा, क्योंकि छात्रों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जैसा कि पता है आप लोगों को, जो भी 45 वर्ष की उम्र के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन लगा, उसके बाद फिर 18 वर्ष के तक लोगों को वैक्सीन लगा है। तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं तैयार की गई है, फिर अभी उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। तो इस के मामले में गवर्नमेंट ने साफ साफ ये जो बात है ये गार्जियन के ऊपर और छात्र के ऊपर सौंप दिया कि यदि आप क्लास ओपन करना चाहते हो कि आपका ऑफलाइन क्लास चले। जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से 22 सत्र चालू होता है, तो 1 जुलाई को टीचर्स लोग स्कूल में जाएंगे और ऑनलाइन क्लास करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ राज्यों ने फीस भी माफ़ करना शुरू कर दिया है, तभी ये तो थोड़ा सा मुश्किल है फीस माफ़ करना, क्योंकि फीस माफ़ हो जाएगा तो टीचरों को सैलरी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो बात यह है कि जो अभिभावक और छात्र चाहते हैं कि उनका जो स्कूल चालू हो, तो उनकी सहमति ले लें। ठीक है, जिससे कि यदि कोई बात होती है बाद में, तो पूरा असर जो होगा छात्रों गार्जियनों पर जाएगा। कि बहुत सारे छात्र परेशान है कि नहीं सर मुझे स्कूल ओपन करना है। तो ठीक है, आप सहमति उनसे ले लीजिए, और सहमति लेने के बाद आप लोग ईमेल के जो परिषद की वेबसाइट है उस पर upboardexamination@gmail.com पर यहाँ पर अपनी सहमति सेंड कर दें, जिससे सरकार को फैसला लेने में आसानी हो। तो ये आज का था लेटेस्ट अपडेट, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है स्कूल खोलने के से को लेकर के अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। तो ये भी आपका उसी का नोटिफिकेशन का न्यूज़पेपर का कटिंग मैं आपके सामने लाया हूँ, तो ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि स्कूल ओपन को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या सोचना चालू कर दिया है। बाकी गवर्नमेंट ने अपने तरीके से जो भी फैसला था वो सुना दिया है आप लोगों को कि अभिभावक हैं अपना सहमति दे दें तो स्कूल ओपन हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई लेटेस्ट अपडेट और भी लेकर के रिजल्ट को या फिर स्कूल ओपन को लेकर के आती है तो मैं आपको देता हूं। जैसा कि आप लोगों को बार बार देख रहे होंगे न्यूज में कि 1 जुलाई से ओपन चालू हो जाएगा, 1 जुलाई से स्कूल चालू हो जाएगा, तो वो टीचरों के लिए चालू हो जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल 1 जुलाई से भी नहीं चलने वाला, ऑफलाइन क्लास नहीं चलने की संभावना है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास यदि चलती है तो उसके बारे में आपको न्यूज दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करते रहें।